दोस्तों, आज मैंने अपने घर में मेथी का लड्डू बनाया है। अगर इस लड्डू को आप लोग बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए लड्डू बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आशा किचन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेथी का लड्डू बनाने का रेसिपी बताने जा रही हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेथी का लड्डू बनाने के लिए मैंने ये मेथी लिया है और मेथी में ये दो चम्मच मेथी लिया है। अब मेथी के दाने को रोस्ट कर लेंगे हम। उसके लिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें ये चम्मच से जो मैं ली थी वो दो चम्मच मैं मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करके इसको मैं हाई टू लो फ्लेम पर इसको कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट करूँगी। तो चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, ये मेथी के दाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। देखिए, अच्छे से रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। चलिए बाहर सबको निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा वाइट टी लिया है, इसको भी मैं कलर चेंज होने तक इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। चलिए इसको भी कलर चेंज होने तक इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, तिल का अच्छे से कलर चेंज हो गया है। देखिए, अच्छे से तिल का कलर चेंज हुआ। अब इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए, मैंने 250 ग्राम अलसी का बीज लिया है। इसको अलसी बोलते हैं हम लोग और इसको तीसी भी बोलते हैं। अब इसको मैं इसको भी रोस्ट कर लूँगी अच्छे से कलर चेंज होने। इसका कलर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। चलिए इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। ये पूरा अच्छे से चटकने लगेगा तो फिर इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। देखिए, ये अच्छे से चटकने लगा है और इसको थोड़ा देर और ऐसे ही मैं चटकने के लिए ऐसे ही रोस्ट करते रहूँगी और थोड़ा देर में मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। देखिए, अलसी के बीज अच्छे से रोस्ट होके तैयार हो गया है। इसको पूरे 10 मिनट हमको रोस्ट करने में समय लगा है। हाई टू लो फ्लेम पर इसको मैं रोस्ट की हूँ। अब चलिए इसको बाहर मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। दोस्तों, मैंने 250 ग्राम अलसी का बीज लिया था, उसको अकॉर्डिंग मैं देखिए 1 किलो चावल ली हूँ। चावल को मैं अच्छे से धो के साफ करके सुखा के ले ली हूँ। अब इसको उसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लूँगी। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आए, वजन से आप नहीं ले रहे हैं, तो आप इस कटोरी से एक कटोरी अलसी का बीज ले लीजिए, तो इसी कटोरी से 4 कटोरी आप चावल ले लीजिए और 2 ही चम्मच उसमें मेथी का दाने ऐड करिए। तो चलिए चावल को रोस्ट कर लेते हैं। चावल को हम थोड़ा थोड़ा 2-3 भाग में रोस्ट करेंगे। चलिए, देखिए, इस कटोरी से मैं एक कटोरी इसमें ऐड करके इसको रोस्ट कर लूँगी। इसको हाई टू लो फ्लेम पर मैं इसको रोस्ट करूँगी। इसको अच्छे से कलर चेंज होने दूँगी, तब तक इसको मैं रोस्ट करते रहूँगी। इसको देखिए, ये अच्छे से रोस्ट होकर तैयार हो गया। इसको हमको रोस्ट करने में 5 से 7 मिनट का समय लगा है। चलिए इसको मैं अब निकाल लेती हूँ सारे को, और बचा हुआ भी चावल मैं इसी तरह पूरा मैं रोस्ट कर लूँगी। देखिए, मैंने चावल को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसको मैंने 2 भाग में रोस्ट किया है। अब चलिए इसको मैं अलसी और मेथी के दाने और इस चावल को अलग अलग करके बारीक महीन पाउडर बना लेते हैं। देखिए, मैंने अलसी का भी, मेथी के दाने और ये चावल को, तीनों चीज़ को पाउडर बना के ले लिया है। और ये मैंने जो ये तिल रोस्ट की थी उसको मैं ले ली हूँ। अब मैं देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट थोड़ा थोड़ा करके ली हूँ। ये थोड़ा सा मैं नारियल ली हूँ। ये बादाम, किशमिश
और ये मूंगफली मूंगफली को मैं रोस्ट करके ले ली हुई हूँ। ये मैं मेथी के लड्डू में सबसे ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने लड्डू में घी 100 ग्राम ऐड करने के लिए ली हूँ मेथी के लड्डू बनाने के लिए। और इस गुड़ से मैं चाशनी बनाकर लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं घी को मिला के अच्छे से मिला लेती हूँ सभी सामग्री में। ये देखिए एक तो मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। अब इसमें चावल जो मैं पीस के ले ली थी इसको मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए अलसी को पिसा हुआ मैं ऐड कर दी हूँ। ये देखिए मेथी का जो पाउडर बनाई थी इसको मैं ऐड कर रही हूँ। सभी सामग्री को अच्छे से मैं मिला लूंगी। देखिए सभी सामग्री को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें घी 100 ग्राम जो घी ली थी इसको मैं ऐड करके अच्छे से मिला लूंगी। चलिए इनको अच्छे से इसको घी को अच्छे से मिला लूं। लिया है अब इसमें मैं जो ये तिल ली थी इसको मैं ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट ये देखिए मूंगफली इसको मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये नारियल ये बादाम जो ली थी इसको मैं ऐड करके सभी सामग्री को अच्छे से मिला लूँगी। सबको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए दोस्तों मैंने सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और दोस्तों देखिए इस गिलास से मैं चाशनी बनाऊँगी। 3 गिलास इससे पानी मैं लूँगी और 500 ग्राम मैंने गुड़ लिया है चाशनी के लिए। दोस्तों मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। ये जो मैं चाशनी के लिए बनाने के लिए गिलास ली थी पानी डालने के लिए, तो मैं अब इस गिलास से पानी 3 गिलास ऐड कर रही हूँ। देखिए मैं ये 500 ग्राम गुड़ ली हूँ इसको मैं इस पानी में ऐड कर दे रही हूँ। दोस्तों मैं अब गैस को हाई फ्लेम कर दूंगी और गुड़ को अच्छे से पिघलने दूंगी। उसके बाद मैं लो फ्लेम पर करके इसका चाशनी बनाऊंगी। देखिए दोस्तों गुड़ अच्छे से पिघल गया है और ये देखिए इसमें उबाल अच्छे से आ रहा है। दोस्तों इसको ज़्यादा देर चाशनी तार के लिए नहीं बनाना है, इसको केवल पिघल जाएगा और 5 से 7 मिनट और अच्छे से पकाना है। और इसका हाथ में ऐसे लगे कि चटचट ऐसे चटचट होने लगा, तो समझ जाइए कि इसका चाशनी हो गया है। तो इसमें आप ये पूरा सामग्री जो मिलाए हैं चावल और मेथी का दाना और अलसी जो मैंने सभी सामग्री को मिला लिया है उसको मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिला लूँगी और उसके बाद फिर मैं उसका लड्डू बनाऊँगी। दोस्तों देखिए चाशनी अच्छे से बन के तैयार हो गया है। इसको बनाने में हमको 15 से 20 मिनट का समय लगा है। अब मैं गैस फ्लेम को बंद कर दूँगी और ये जो सभी सामग्री जो मैंने मिला के लिया था इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर ये गीला भी हो जाए दोस्तों तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें चावल है तो पानी जो है इसमें ज़्यादा लगता है, चावल थोड़ा सा पानी सूखता है, इसलिए इसको मिला के मैं थोड़ा देर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसका लड्डू बनाऊँगी। देखिए दोस्तों मैंने देखिए अच्छे से मिक्स लिया है, पानी ज़्यादा लग रहा था। देखिए अच्छे से सभी सामग्री मिक्स हो गया है। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और निकाल के इसका लड्डू मैं बनाऊँगी। चलिए इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। थोड़ा सा दोस्तों हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसका मैं लड्डू बना के ले लूँगी। दोस्तों ये सर्दियों के लिए बहुत ही फायदेमंद लड्डू है, एक बार अपने घर में आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये सर्दियों में अगर किसी को जल्दी सर्दी हो जाता हो या किसी को जोड़ों में दर्द है तो ये लड्डू बना के खाएंगे, आराम लगता है इसको खाने से। देखिए मैंने बर्तन में निकाल लिया। अब चलिए इसका मैं लड्डू बना लेती हूँ। ये देखिए
छोटा बड़ा जैसा हो आकार दे के लड्डू बना लीजिए। ये देखिए मैं लड्डू बना ली हूँ, ऐसे ही मैं सारे लड्डू बना लूँगी। दोस्तों अलसी का बीज तो ऐसे ही फायदेमंद चीज़ है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर जिसको ज़्यादा फैट अगर हो गया हो तो इसको भून के रोस्ट करके और पाउडर इसका बना लीजिए, और रात में सोने टाइम गर्म पानी के साथ एक चम्मच लेने से फैट जो पेट में चर्बी हो जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये तो लड्डू ऐसे ही सर्दियों के दिन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों एक बार अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। देखिए दोस्तों सारे लड्डू अच्छे से बन के तैयार हो गया। दोस्तों अगर मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मेरा मेथी का लड्डू का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।